अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MIUI 10 के नए अपडेट में हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। दोस्तों ये अपडेट का नाम है 9/5/23 यानी कि 23 मई 2019 का ये अपडेट है, लेकिन आज जो डेट है दोस्तों वो है 25 मई। तो मैं काफ़ी ज़्यादा देर के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि ये जो अपडेट है दोस्तों 24 मई को ही रिलीज़ हो गई थी, क्योंकि ये बीटा अपडेट है, वीकली अपडेट है, डेवलपर अपडेट है जो कि हर फ्राइडे को आती है, और आज सैटरडे को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना देर करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा और चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या कुछ नया मिल रहा था। तो सबसे पहले सिस्टम अपडेटर के वर्ड में हमें जाएंगे तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। भाई अब तो ये भाई एलियन शिप बन जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये रॉकेट से अब एलियन शिप बन ही चुका है। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हमें क्या कुछ मिल रहा था। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, तो वो हमें जून का मिल रहा है। अभी दोस्तों 25 मई चल रहा है, लेकिन हमें 5 जून का जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल रहा है। तो शाओमी वाले आजकल बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल दे देते हैं, तो ये काफी झकास बात है। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे नोट्स में और यहां पे मैं कुछ चीजें लिख करके रखा हुआ हूं, तो सबसे पहले क्या मिलता है, तो होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। जी हां दोस्तों, Redmi Note 5 Pro में होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन हमें नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर आप दो फिंगर से स्वाइप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, तो यहां पे आप देखेंगे होम स्क्रीन लेआउट मिल जाएगा। और अब आप इसमें 5x5 भी सेट कर सकते हैं, जिससे आप 5 आइकन एक साथ लगा सकते हैं, जो कि देखने में और भी ज्यादा ऑसम लगता है। तो ये काफी ज्यादा बात है दोस्तों, काफी अच्छी बात है। यही नहीं दोस्तों, अगर आप सेटिंग में भी जाएंगे तो भी आपको कुछ इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि सेटिंग में होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स में, यहां पे भी आपको होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये पहले दोस्तों मेरे Redmi Note 5 Pro में नहीं था, अब ये आ चुका है। एक और चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप ये दो फिंगर से स्वाइप करेंगे तो अब आप यहां पे 3 ऑप्शन पहले से ही देख सकेंगे। पहले क्या होता था, जब आप सेलेक्ट करते थे उसके बाद ये 3 ऑप्शन आते थे, लेकिन दोस्तों अब आपको बिना सेलेक्ट किए ही 3 ऑप्शन आ जाएगा। यानी दोस्तों पहले अगर आपको फोल्डर बनाना था तो एक से ज्यादा जो है आइकन को सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब आप एक ही आइकन को सेलेक्ट करके फोल्डर बना सकते हो। तो बस आपको एक आइकन को सेलेक्ट करना है, फोल्डर पर टैप करना है, ग्रुप पर टैप करना है, और ये जो है फोल्डर बन जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज जो है हो गई है, काफी फास्ट हो गई है। उसका दोस्तों नेक्स्ट चीज हमें क्या मिलता है, तो ड्यूल क्लॉक जो है अब होम स्क्रीन पे भी काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा ड्यूल क्लॉक का ऑप्शन आया है, तो अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, फिर जाएंगे लॉक स्क्रीन यानी कि डेट एंड टाइम में, तो यहां पे आपको ड्यूल क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले क्या था कि ये जो ड्यूल क्लॉक है सिर्फ और सिर्फ लॉक स्क्रीन पे काम करता था, अभी भी दोस्तों लॉक स्क्रीन पे काम कर रहा है, 2 क्लॉक आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों विजेट के प्रॉब्लम की वजह से बग था, जिसके कारण दोस्तों होम स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा था। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, अब आपके होम स्क्रीन पे भी ड्यूल क्लॉक काम करेगा, 2 क्लॉक आप एक साथ देख सकेंगे किसी भी जगह के, तो कोई भी सिटी आप सेट कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या मिलता है, तो स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली, ये एक नया फीचर दिया गया आपको एक्सेसिबिलिटी में। तो अगर आप जाएंगे बैक दोस्तों एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में, तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली। ये ऑप्शन क्या है, तो अगर आप मान लीजिए कॉल पर बातें कर रहे हैं और अगर आप अपने फ़ोन को कान से दूर हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पीकर पर चला जाएगा, ऐसा ये ऑप्शन दिया गया। हालांकि दोस्तों ये जो फीचर है ये अभी भी यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है और ये हर बार काम नहीं करता है, और ये टॉकबैक जब ऑन रहता है तभी काम करता है, यानी कि दोस्तों गूगल का जो टॉकबैक आता है अगर आप इसे ऑन करेंगे उसके बाद ही काम करेगा, ये ऐसे काम नहीं करता है। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम ऑप्शन तो हमें देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ क्या मिलता है, तो सिंक इन रियल टाइम मिलता है। ये क्या है, तो अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद अगर आप जाएंगे MI अकाउंट में, उसके बाद अगर आप जाएंगे यहाँ पे MI क्लाउड में, तो MI क्लाउड में आपको सबसे नीचे मिल जाएगा यहाँ पे सिंक इन रियल टाइम। तो ये क्या है, तो पहले क्या होता था कि जब तक आप अपने फ़ोन को चार्ज में ना लगाएं ये सिंक नहीं होता था, या फिर दोस्तों जब तक आपका जो है वाईफाई ना हो वो सिंक नहीं होता था। लेकिन अगर आप सिंक इन रियल टाइम को ऑन कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों ये हमेशा कोई भी अगर आपका डेटा आ रहा है तो तुरंत ही ये उसे सिंक करेगा, ना चार्जिंग का वेट करेगा, ना बैटरी हाई होने का वेट करेगा, ना ही दोस्तों वाईफाई का वेट करेगा, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करेगा, ये तुरंत ही आपके डेटा को सिंक करने की कोशिश करेगा। तो ये नया ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन को हटा दिया गया, यानी कि पहले हम लोग ऐप वॉल्ट में PNR को जो है चेक कर सकते थे, लेकिन पता नहीं कि उन्होंने वो ऑप्शन को हटा दिया। तो अब अगर आप जाएंगे ऐप वॉल्ट में तो देखेंगे कि यहाँ पे कि हमें PNR चेक करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों किया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, डायरेक्टली हम लोग PNR चेक कर सकते थे, अब हम लोग डायरेक्टली ऐप वॉल्ट से जो है PNR चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि चीज़ें आई हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस नहीं है, तो आपको जाना होगा अबाउट फोन में, और उसके जाना होगा MIUI वर्जन में, और उसके बाद फिर बैक जाना होगा दोस्तों MIUI वर्जन पे 5 बार टैप करके एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, फिर आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, और उसके बाद सबसे नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप इसे ऑफ कर देंगे और इसे टर्न ऑफ कर देंगे तो ये दोस्तों काफी पुरानी फीचर है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, और यहां पे आपको मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर में एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन। हालांकि ये एम्बिएंट डिस्प्ले काम नहीं करता है, बट आपको ऑप्शन जो है यहां पे देखने को मिल जाता है। तो ये पॉसिबल है कि Xiaomi जो है एम्बिएंट डिस्प्ले को लाए कुछ दिनों के बाद, जो कि अभी जो है टेस्ट
टेस्टिंग फेज में हो सकता है, तो ये तो फिलहाल अभी काम नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाय के लिए दोस्तों आज का इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया या फिर पसंद नहीं भी आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक्स एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।